सुप्रभात बच्चों, आप सब कैसे हो? चलिए अब हम अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। कक्षा 12वीं की राजनीति शास्त्र। कक्षा 12वीं राजनीति शास्त्र और हम पढ़ रहे हैं जो हमारी दूसरी किताब है राजनीति शास्त्र की, स्वतंत्र भारत में राजनीति, उसका अध्याय 7 क्या है? जन आंदोलनों का उदय। बच्चों, ये आपके सामने स्क्रीन पर एक ये फोटो एक पिक्चर दिख रही है, तस्वीर है। ये आपकी किताब में भी है, आप अपनी किताब खोलिए। मैं हमेशा कहती हूँ कि अपनी क्लास शुरू होने के पहले आप नोटबुक किताब लेकर बैठिए। तो ये आपके सामने ये जो चित्र है, ये ध्यान से देखिए कि ये एक पेड़ है। ये एक क्या है? ये पूरा पेड़ है। उस पेड़ से ये दो महिलाएं क्या हैं? चिपकी हुई हैं। उस पेड़ को दोनों तरफ से महिलाओं ने क्या किया है? उससे लिपटी हुई हैं। ये आपने पढ़ा है, आपने 9वीं 10वीं में भी पढ़ा होगा। आपको क्या याद दिलाता है ये फोटो? आपको क्या याद दिलाता है? आप अपने दिमाग पर जोर डालिए, जरा देखिए, याद आया? ये है, ये तस्वीर हमको चिपको आंदोलन की याद दिलाती है। तो इस पाठ में हम कुछ आंदोलनों के विषय में पढ़ेंगे जो जनता से संबंधित है, इसलिए इसका पाठ का नाम जन आंदोलन है। और ये इस तस्वीर से संबंधित हम क्या पढ़ेंगे? आगे चिपको आंदोलन भी पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं जन आंदोलनों की प्रकृति कैसी थी। तो गांव में इस अध्याय के शुरुआती चित्र पर ध्यान दीजिए। अभी हमने देखा, आपने इसमें क्या देखा कि गांव की महिलाओं ने, कहाँ की महिलाओं ने? गांव की महिलाओं ने सचमुच पेड़ों को अपनी बाहों में बांध लिया था। क्या ये लोग कोई खेल खेल रहे थे या कोई त्योहार मना रहे थे? दरअसल चित्र में नजर आ रही हो, ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे। ना वो कोई खेल खेल रहे थे, ना वो कोई त्योहार मना रहे थे कि जिसके कारण उन्होंने वृक्ष को अपने बाहों में ले लिया था, उन्होंने वृक्ष से चिपक गई। यह जो तस्वीर है उसमें सामूहिक कार्यवाही की एक असाधारण घटना दर्ज की है। और यह घटना 1973 की है, जब उत्तराखंड के एक गांव के स्त्री पुरुष एकजुट हुए और जंगलों की व्यावसायिक कटाई का विरोध किया और सरकार ने जंगलों की कटाई के लिए अनुमति दे दी। तब गांव के लोगों ने इसके विरोध बताने के लिए एक नई तरकीब अपनाई। तो गांव के लोगों ने पेड़ों को अपनी बाहों में घेर लिया। क्या किया? पेड़ से उन लोग क्या किया, गांव के स्त्री पुरुष थे वो बाहों से घेर लिया ताकि उन्हें कटने से बचाया जाए, ताकि उन पेड़ों को कोई काट ना सके। यह विरोध आगामी दिनों में भारत में पर्यावरण आंदोलन के रूप में परिणित हुआ और इसे चिपको आंदोलन का नाम दिया। कौन सा आंदोलन था यह? पर्यावरणीय आंदोलन, और इसको चिपको आंदोलन का नाम दिया। अब चिपको आंदोलन क्या है यह पढ़ें। तो इस आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड के 2-3 गांवों से हुई थी। कहां से हुई थी और कब हुआ था ये चिपको आंदोलन? 1973 में। कब शुरू हुआ था? सन 1973 में। कहां से हुआ था? उत्तराखंड के 2-3 गांवों से शुरू हुई थी यह आंदोलन। पेड़ों की कटाई या वनों की कटाई को रोकने वाला एक पर्यावरणीय आंदोलन था। क्या था? यह पेड़ों को और वृक्षों को और वनों को कटाई से रोकने के लिए एक पर्यावरणीय आंदोलन था। और इसके अंतर्गत
काहे के पेड़ जो विशेष अंगों के पेड़ों को बचाने के लिए महिलाएं पेड़ों से चिपक कर खड़ी हो जाती थी जिससे उनको काटा ना जा सके। गांव वालों ने वन विभाग से कहा कि खेतीबाड़ी के औजार बनाने के लिए हमें अंगू के पेड़ काटने की अनुमति दी जाए। अनुमति देने से इनकार कर दिया। फिर भी विभाग ने खेल सामग्री के एक विनिर्माताओं को यह जमीन का टुकड़ा व्यापार और व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए आवंटित कर दिया। इससे गांव वालों में बहुत अधिक रोष हुआ और उन्होंने सरकार के इस कदम का क्या किया, विरोध भी किया। यह विरोध बड़ी जल्दी उत्तराखंड के अन्य इलाकों में फैल गई। कहाँ फैल गई? उत्तराखंड। उत्तराखंड के इलाकों में ये फैल गई और क्षेत्र की पारिस्थितिकी और आर्थिक शोषण में कहीं बड़े सवाल उठने लगे। गांव वासियों ने मांग करी कि जंगल की कटाई का कोई ठेका बाहरी व्यक्ति को नहीं दिया जाना चाहिए और स्थानीय लोगों का जल, जंगल, जमीन जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर कारगर नियंत्रण होना चाहिए। लोग चाहते थे कि सरकार लघु उद्योगों के लिए कम कीमत की सामग्री उपलब्ध कराए और चिपको आंदोलन में सबसे ज्यादा भागीदारी किसकी थी? महिलाओं की थी। सबसे ज्यादा भागीदारी चिपको आंदोलन में महिलाओं की थी। आपने वहां चित्र में भी देखा है कि महिलाएं वृक्षों से चिपकी हैं और वह आंदोलन का एकदम नया पहलू था। सक्रिय जंगल कटाई के ठेकेदार यहाँ के पुरुषों को शराब की आपूर्ति का व्यवसाय करना चाहते थे। महिलाओं ने शराबखोरी की लत के खिलाफ आवाज उठाई और इससे आंदोलन का दायरा विस्तृत हुआ और कुछ सामाजिक मसले भी इससे आ जुड़े। आखिर क्या हुआ? आंदोलन को सफलता मिली और सरकार ने 15 सालों के लिए हिमालय क्षेत्र में पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी। इस अवधि में क्षेत्र में वन भी बहुत अच्छे से, वनों का वन आच्छादन होने लगा और आंदोलन की सफलता की तो है ही, साथ ही याद रखना होगा कि आंदोलन 70 के दशक और इसके बाद के सालों में देश के विभिन्न भागों में उठे, लेकिन यह जन आंदोलनों का प्रतीक, अनेक जन आंदोलनों का प्रतीक बन गए। और हम और भी जो दूसरे जन आंदोलन है अब उनको देखेंगे। अभी हमने क्या पढ़ा था? चिपको आंदोलन, यह जन आंदोलन तो था, साथ ही कौन सा आंदोलन था? पर्यावरणीय आंदोलन। क्यों? क्योंकि यह पेड़ों की कटाई से संबंधित था। अब है जल आधारित आंदोलन। जन आंदोलन कभी कभी सामाजिक तो कभी ऐसे आंदोलन कभी सामाजिक तो कभी राजनीतिक आंदोलन का रूप ले लेते हैं और अक्सर ये आंदोलन दोनों ही रूपों के मेल से बनी नजर आती। दोनों ही रूपों के मेल मतलब सामाजिक और राजनीतिक दोनों ही। उदाहरण के लिए हम अपने स्वाधीनता आंदोलन को ही ले लें। उदाहरण के लिए हम क्या ले लें? अपने स्वाधीनता आंदोलन को ही ले ले। यह मुख्य रूप से राजनीतिक आंदोलन था। कौन सा आंदोलन था? मुख्य रूप से राजनीतिक आंदोलन। जो दल आधारित आंदोलन था मुख्य रूप से राजनीतिक आंदोलन था, लेकिन यह औपनिवेशिक दौर में सामाजिक और आर्थिक मसलों पर भी विचार मंथन था जिससे अनेक स्वतंत्र सामाजिक आंदोलनों का जन्म हुआ, जैसे जाति प्रथा। और कौन कौन से सामाजिक आंदोलन हुए?
जाति प्रथा विरोधी आंदोलन, जाति प्रथा विरोधी आंदोलन और किसान सभा आंदोलन, जाति प्रथा आंदोलन और किसान सभा आंदोलन और मजदूर संगठन के आंदोलन, और मजदूर संगठन आंदोलन कौन कौन से हुए? जाति प्रथा विरोधी, मजदूर संगठन और किसान सभा आदि आंदोलन, दल आधारित आंदोलन। ऐसे कुछ आंदोलन आजादी के दौर में भी चलते रहे, जिसमें मुंबई, कोलकाता और कानपुर जैसे बड़े शहरों में औद्योगिक मजदूरों के बीच मजदूर संगठनों के आंदोलन का बड़ा जोर था। सभी बड़ी पार्टियों ने इस तबके के मजदूरों को लामबंद करने के लिए अपने अपने मजदूर संगठन बना लिए थे, और आजादी के बाद कुछ शुरू के वर्षों में आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र में किसान कम्युनिस्ट पार्टियों ने लामबंद नेतृत्व किए। इन्होंने काश्तकारों के बीच जमीन के पुनर्वितरण की भी मांग की थी, और आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार के कुछ भागों में किसान तथा खेतीहर मजदूरों में मार्क्सवादी, लेनिनवादी और कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में अपना विरोध प्रकट किया था। और क्या हुआ था कि इन्हें नक्सलवादी के नाम से जाना जाने लगा था। किसान और जो मजदूरों के आंदोलनों का मुख्य जोर आर्थिक अन्याय और असमानता पर आधारित था। ऐसे आंदोलनों में औपचारिक रूप से चुनावों में भाग तो नहीं लिया, लेकिन राजनीतिक दलों में इनका नजदीकी रिश्ता कायम हुआ, और ऐसे जुड़ावों में दलगत राजनीति में विभिन्न सामाजिक तबकों की बेहतर इसमें क्या करी गई थी, अपनी अपनी नुमाइंदगी सुनिश्चित करी थी, दर्ज करी थी। अब है राजनीतिक दलों से स्वतंत्र आंदोलन। हमने क्या पढ़ा था अभी? चिपको आंदोलन, फिर दल आधारित आंदोलन जो राजनीतिक और सामाजिक दोनों ही के ही मिले जुले रूप थे। अब है राजनीतिक दलों से स्वतंत्र आंदोलन। तो सन 1970 से 1980 का जो समय था, समाज के कई वर्गों, कई तबकों का राजनीतिक दलों के, समाज के कई तबकों वर्गों का राजनीतिक दलों के आचार व्यवहार से क्या हो गया था, उनका मोह भंग हो गया था। इसका तात्कालिक कारण क्या था? जनता पार्टी के रूप में कांग्रेसवाद का प्रयोग कुछ चल नहीं पाया, और इसकी असफलता से राजनीतिक अस्थिरता का माहौल उत्पन्न हो गया, कायम हो गया। लेकिन अगर कारणों की खोज जरा दूर तक जाकर करें तो पता चलेगा कि सरकार की आर्थिक नीतियों भी लोगों का मोह भंग हो, किससे? सरकार की आर्थिक नीतियों से भी क्या हो गया था, विभिन्न तबके के लोगों का मोह भंग हो गया था। तो आजादी के बाद नियोजित विकास का एक मॉडल बनाया गया, और इस मॉडल को अपनाने के पीछे दो लक्ष्य थे, आर्थिक समृद्धि और आय का समतापूर्ण बंटवारा। फिर राजनीतिक धरातल पर कई सक्रिय समूहों का, कहां पर? राजनीतिक धरातल पर कई सक्रिय समूहों का विश्वास लोकतांत्रिक संस्थाओं और चुनावी राजनीति से उठ गया था। ये समूह
दलगत राजनीति से अलग हुए और अपने विरोध के स्वर देने के लिए इन्होंने आवाज को क्या किया, लामबंदी की, आवाज उठाई। इस काम में छात्र और समाज के विभिन्न वर्गों के लोग, राजनीतिक कार्यकर्ता आगे आए और इन्होंने समूहों में काम करना शुरू कर दिया। ऐसे स्वयंसेवी संगठनों को अपने को दलगत राजनीति से दूर रखा। स्थानीय अथवा क्षेत्रीय स्तर पर ये संगठन न तो चुनाव लड़े और न ही इन्होंने किसी एक राजनीतिक दल को अपना समर्थन दिया। ऐसे आंदोलन राजनीतिक दलों से स्वतंत्र आंदोलन जो विभिन्न समूहों और संगठनों के माध्यम से करे गए, ऐसे आंदोलन राजनीतिक दलों से स्वतंत्र आंदोलन की भूमिका में रहे। अब है दलित पैंथर्स, इसके बाद है चौथा कौन सा आंदोलन था, दलित पैंथर्स। तो मराठी के कवि नामदेव डसाल, ये क्या था, मराठी कवि नामदेव दसाल की एक कविता को पढ़िए। क्या आप बता सकते हैं कि इस कविताएं में आए अंधेरे की पथ यात्रा और सूरजमुखी आशीषों वाला फकीर की क्या अर्थ है? अंधेरे की पथ यात्रा के संकेत दलित समुदाय की ओर किए गए थे। इस समुदाय ने हमारे समाज में लंबे समय तक क्रूरतापूर्ण जातिगत अन्याय को भुगता है और कवि ने इस समुदाय के मुक्तिदाता डॉक्टर अंबेडकर को इंगित करने के लिए सूरजमुखी वाले आशीषों वाला फकीर पद का प्रयोग किया है। अब देखते हैं कि दलित पैंथर्स का उदय कैसे हुआ। तो सातवें दशक में सातवें दशक के शुरुआती वर्षों से जो शिक्षित थे, दलित तो थे पर क्या थे, शिक्षित थे, पहली पीढ़ी ने अनेक मंचों से अपने हक की आवाज उठाई। क्या किया था, जो दलित थे परंतु वे क्या थे, शिक्षित थे, पढ़े लिखे थे, उन्होंने विभिन्न माध्यमों से, विभिन्न मंचों के माध्यम से अपने हक के लिए उन्होंने लड़ना शुरू कर दिया, अपने हक की मांग करने के लिए आवाज उठाई। इसमें अधिकतर शहर की झुग्गी बस्तियों में पल रहे, बड़े हुए, सामाजिक रूप से कमजोर दलित वर्ग के थे और दलितों के इसी क्रम में कहां के थे, अधिकांशतः शहर की जो झुग्गी बस्तियों में रहकर पढ़ रहे थे, झुग्गी बस्तियों में रहकर जो बड़े हुए थे और सामाजिक रूप से क्या थे, वो कमजोर थे और दलित वर्ग के थे। उन्होंने क्या किया, दलितों के हित के लिए महाराष्ट्र में सन 1972 में दलित युवाओं का एक संगठन, जिसको कि दलित पैंथर का नाम दिया, इसको उन्होंने क्या किया था, गठन किया। आजादी के बाद के सालों में दलित समूह मुख्यतः जाति आधारित असमानता और भौतिक साधनों के मामले में अपने साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ लड़ रहे थे और वे इस बात को लेकर सचेत थे कि संविधान में जाति आधारित किसी भी तरह के भेदभाव की कोई भी गारंटी नहीं है और आरक्षण के कानून और सामाजिक न्याय की ऐसे ही नीतियों के कारगर क्रियान्वयन इनकी प्रमुख मांग थी और भारतीय संविधान में छुआछूत की प्रथा को समाप्त कर दिया है और सरकार ने
सरकार ने इसके अंतर्गत 60 और 70 के दशक में क्या करे हैं, कानून भी बनाए हैं और इस और पुराने जमाने में जिन जातियों को अछूत माना जाता था, उनके साथ भेदभाव किया जाता था, उनके साथ एक नए दौर में सामाजिक भेदभाव और हिंसा का बर्ताव कई रूप में जारी रहा। दलितों की प्रमुख कुछ बस्तियां मुख्य गांव से दूर होती थी और दलित महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार भी किए जाते थे, जो जातिगत प्रतिष्ठा की छोटी छोटी मोटी बात को लेकर दलितों पर सामूहिक रूप से अत्याचार किए जाते थे। दलितों ने सामाजिक और आर्थिक उत्पीड़न और अत्याचार को रोकने के लिए कानून की व्यवस्था सही और उचित साबित नहीं हो रही थी। और दूसरी तरफ दलित जिन राजनीतिक दलों का समर्थन कर रहे थे, जैसे रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया, वे चुनावी राजनीति में सफल नहीं हो पा रहे थे। चुनाव रोक जीतने के लिए इन्हें कुछ या किसी दूसरी पार्टी के साथ गठबंधन करना पड़ा, उनके साथ मिलकर इनको राजनीति करनी पड़ी और ये पार्टियां लगातार टूट का शिकार भी होती गई या आगे नहीं बढ़ पाई। इन वजहों से, इन कारणों से दलित पैंथर्स ने दलित अधिकारों की दावेदारी करते हुए जन कार्यवाही का रास्ता अपनाया और सन 1972 में दलित पैंथर्स नामक एक संगठन बना। और यह संगठन कैसा था? दलित युवाओं का एक संगठन था और ये युवा क्या थे? दलित थे परंतु शिक्षित थे। तो बच्चों, आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे, कॉपी में नोट करेंगे और इसको याद करेंगे, क्योंकि परीक्षा आपको ही देनी है और पास भी आपको